हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तला अंजुम के सॉन्ग पर, जिसका नाम है मैं और मेरे आइडल्स, और ये मैं ईपी का फोर्थ ट्रैक है। बाकी प्रोड बाय उमेर खान, जोके मास्ट प्रो। बाकी और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सीरीज चल रही है ये वाली। और गाने इसमें धमाकेदार लगे तीनों अभी तक, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये फोर्थ ट्रैक है, पोस्टर पे बना हुआ है Kendrick Lamar, J. Cole, Poemi Apaji and Tupac Shakur। चलें फिर। M बना हुआ है, टी शर्ट पे M बने हुए हैं, Eminem। ओके ओके ओके, लेट्स गो मैन। चलिए, काश मैं बना सकता एक और गाना, नाम होता उसका मैं और मेरे राइवल्स। ये गाना बॉयज के लिए है, व्यूज के लिए नहीं। ये गाना बॉयज के लिए, व्यूज के लिए नहीं। अब सुन लो भाई ढंग से। नाम होता उसका मैं और मेरे राइवल्स। ये गाना बॉयज के लिए है, व्यूज के लिए नहीं। ये गाना नॉइज है, किसी न्यूज के लिए नहीं। वार्निंग है, किसी ट्रूथ के लिए नहीं। मुझे किसी दूसरे से ना कंपेयर कीजिए प्लीज। ट्राई अंडरस्टैंड कौन कितने पानी में। मैं हर महीने गाना फेंकता हूँ, यानी के कितने फैंस मेरे तेरा डी में पूछ ले। आई डोंट नीड अ पास बेटा, कुस्तानी में पूछ के। कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। ए खुदा, तेरे करम पे, तेरे सहारे पे हम लगे हाथों। एक सच बता दूं दुनिया को, 2008 में सुना बोहिमिया को, उसके बाद उर्दू में लिखना आ गया ना। बोहिमिया पहला, अब रेफरेंस पता लग गया ब्रो। बोहिमिया को सुना 2008 में, मेरी अक्खा से वही वाले। यस यस, ऑफ कोर्स मैन, दिखता भी है ब्रो। 2008 में सुना बोहिमिया को, उसके बाद उर्दू में लिखना किया था शुरू। जो भी मेरे आइडल्स वही मेरे गुरु। या मेरे बोरिंग है ब्रो, I smoke rapper just a scoring yeah bro. Hi. Jaise main karta tere se hona nahi bro. I don't pay for sex, to mere aage randi rona nahi bro. Shit bro. This is a murderous bar bro. Murderous bar. Pay nahi karta main to fir. I don't need it bro. To mat raho mere samne. Mat raho. करता तेरे से होना नहीं ब्रो। I don't pray for sex, तो मेरे आगे रंडी रोना नहीं ब्रो। तुम सो रहे थे जब मैं रातें जाग रहा था, रेस थी ही नहीं, मेरा दौन भाग रहा था। कल माय शहादत फॉर द डेड वंस, लुकिंग फॉर कंपटीशन। तो ये जो मैराथन वाली सीन है ना, ये रेफर करते लेगेसी के लिए। अच्छा, लेगेसी के लिए कि हम भकड़ क्लाउड चेज करके नहीं जाएंगे। सही बात, हम लेगेसी बनाएंगे, हम धीरे धीरे भागेंगे मैराथन की तरह, लंबी रेस के घोड़े। हाँ, तो हम लेगेसी बनाएंगे, नाम बनाएंगे, तो वही है ब्रो, लेगेसी तो है ब्रो। जब मैं रातें जाग रहा था, रेस थी ही नहीं, मैराथन भाग रहा था। कल माय शहादत फॉर द डेड वंस, लुकिंग फॉर कंपटीशन, एनीबॉडी गॉट सम। कोई नहीं है ब्रो, लुकिंग फॉर कंपटीशन, एनीबॉडी गॉट सम। नो नो, लुकिंग फॉर कंपटीशन, एनीबॉडी गॉट सम। ये रैपर्स पायनियर्स को करते हैं डिस, मैं हंसता सुन के लेकिन फिर उदास होता। इतनी नेगेटिव हो गई है इनकी सोच के, जिसको ये सुन के शुरू हुए थे रैप करना। इनको लगता है कि वो बंदा नहीं है वो, पर वो वही है, बस तुझे समझ नहीं है। और राजा को अभी भी तुझसे गर्ज नहीं है, और मीडिया को डिफेंड करना मेरा फर्ज नहीं है। लिल ज़ैन बोला टूपा का म्यूजिक बोरिंग है। हां, लिल ज़ैन ने बोला था, कैसे फर्क करेंगे तू उसी में और तेरे में फर्क कैसे करेंगे। देखो भाई, रोंगटे खड़े इतने हो रहे हैं। अरे ये भी बात है, वही मैं लिल ज़ैन ने बोला था करते हैं। और बहुत जो स्नूप डॉग की वो नहीं होती वीडियो वायरल, उसी की वजह से होती है वो। अच्छा। कि लिल ज़ैन ने बोल दिया था, लिल ज़ैन आर्ट। एक लिल ज़ैन वाला मेरे को पता नहीं, पर यहाँ से पता लग गया। और दूसरा बोहिमा को भी डिस करते हैं, और इनको लगता है वो बदल गया है लाइक। तो वही गया भाई, और केडीएम को मेरा फर्ज नहीं है बचाना।
फैक्ट्स ब्रो फैक्ट्स। राजा को अभी भी तुमसे गर्ज नहीं है और केडीएम को डिफेंड करना मेरा फर्ज नहीं है। लिल ज़ैन बोला टूपा का म्यूजिक बोरिंग है, हम तुझ में और इस चूतिये में कैसे फर्क करेंगे। तू उससे बेहतर है लिरिकली, पर ये समझ के मेंटली तू कल्चर से कनेक्टेड ही नहीं। डिपेंड करता तेरे अपने आप पे, समझ रहे ना बात पे, समझ रहे ना समझ रहे ना। कौन है मेरे राइवल, मैं आँख खोलूं मुझे देखे चारों ओर सिर्फ मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे आइडल्स। काश मैं बना सकता एक और गाना, नाम होता उसका मैं और मेरे राइवल्स। पर आएगा नो राइवल्स, पर आएगा नो राइवल्स, आई गॉट नो राइवल्स। काश मैं बना, तभी मैं यही सोच रही कि काश क्यों बोला उसने। अगली लाइन में है ही नहीं कोई, बनाऊं कैसे, काश मैं बना सकता। पर कि राइवल्स मेरे बोरिंग है ब्रो, तभी मैं कह रहा हूँ काश की बोल रहा हूँ, समझ में क्यों काश बोल रहा है। राइवल्स बट आई गॉट नो राइवल्स, बट आई गॉट नो राइवल्स, या आई गॉट सम आइडल्स, यस या आई गॉट सम आइडल्स। जिनको सुना उनसे सीखा कोई शक नहीं, आज तेरा कल मेरा सगा कोई वक्त नहीं। सगे सिर्फ वो जो है साथ खड़े, नसीहतें देने वाले तो बहुत पड़े। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा था छोटे ऐसे जिंदगी गुजार लेके तुझसे मौत डरे, मौला मदद तेरा ही तो आसरा है। मेरा किसी से भी यहाँ क्या मुवाजना है, बाज ना आए फिर भी करें कंपैरिजन। Fuck fame, let's talk about heritage. Fame side pe, let's talk about legacy. 10 साल call me cognac Hennessy. मेरे पास Hennessy again. ये पीछे भी दिया था Hennessy और legacy का reference फिर से दिया है। मतलब पहले दे रखा है वो बात का गाना है, शायद है ना ऐसा कुछ। 10 साल call me cognac Hennessy. मेरे पास उर्दू hip hop की recipe. Easy vibes, got a lot of enemies. So dope, I make a fucking note. कौन सी vibes? 10 साल call me cognac Hennessy. मेरे पास उर्दू hip hop की recipe. Breezy vibes, got a lot of enemies. Breezy vibes. Chris Brown की बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं breezy. अच्छा, enemies. मेरे पास उर्दू hip hop की recipe. Breezy vibes, got a lot of enemies. So dope, I make your fucking nose bleed. Rat, but I couldn't sleep. I ain't a killer, but don't push me. Urdu rap, rock and roll, or my Elvis Presley, you'll miss okay, me. Okay, okay, okay. Again, Rakim ka reference. जो 9 mm में दिया था और Elvis Presley, okay, दोनों। I ain't a killer, but don't push me. Urdu rap, rock and roll, or my Elvis Presley. Urdu rap, rock and roll है तो मैं Elvis Presley हूँ। Elvis Presley, rock and I ain't a killer but don't push me. Urdu rap, rock and roll, or my Elvis Presley, you miss me. Industry already trying to test me, rappers trying to impress me. I'm unimpressed, content nahi hefty. Main hefty nahi par mera har kaam hai ulta. Loyalty is rare, wafadar koi nahi milta. Main likh raha hu pichle 10 saal se roz rap. Mujhe takkar kaise dega koi naya ladka. Zor laga, main to one song wonder nahi, mujhe time bahut laga. मैं वन टाइम वन सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, मेरे को टाइम बहुत लगा, 10 साल से लिखता आ रहा हूँ, तो तू नया लड़का कैसे टक्कर देगा। वन टाइम वंडर मत सोच, लगा मैं कोई वन सॉन्ग वंडर नहीं, मुझे टाइम बहुत लगा। डाउन दिस रोड मिले हैं बेशुमार लोग, क्या बताऊं तुझे कौन है मेरा सगा। आई बीन डूइंग इट सिंस 09, जितने भी रैपर्स थे तब अब हो चुके रिटायर्ड और फायर्ड और हायर्ड बाय अ बॉस, और मैं अपना बॉस हूं। यू गेन सम यू लूज सम, मैं तेरा वो लॉस हूं। मुझे लगे जैसे कुछ रिटायर हुआ है, कुछ फायर हुआ है, और कुछ को हायर कर लिया, कुछ हायर कर लिया लेबल्स ने बॉस के पास। और मैं खुद का बॉस, और मैं खुद का बॉस हूं, और जो उनने खोया मैं वही लॉस हूं। हाँ हाँ, व्हाट अ बार ब्रो। ये है ना, ये पूरे गाने में मेरे को लग रहा है कि सबसे अच्छा पार्ट बॉस, क्या बार फेंकी है ब्रो। फायर हो गए, कुछ रिटायर हो गए, और कुछ हायर हो गए, और जो लॉस खोया उन्होंने वो मैं हूं, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस मैं ही हूं कि अब टॉप। सर मैं अपना बॉस हूं, यू गेन सम यू लूज सम, मैं तेरा वो लॉस हूं। मिर्चे लगे जैसे ये टबेस्को सॉस हो, फ्लो सो कोल्ड जैसे व्हिस्की ऑन द रॉक्स ब्रो। टबेस्को सॉस वो रहता है स्पाइसी। मिर्चे लगे जैसे ये टबेस्को सॉस हो, फ्लो सो कोल्ड जैसे व्हिस्की ऑन द रॉक्स ब्रो। पर अक्स खड़ा तू मेरा अक्स नहीं, मैं जिससे मुतासिर हुआ तू वो शख्स नहीं। मैं अपने फैंस से मुखातिब होके कहा था कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं, बस करो। I never made मलिक, मुझे ऐसा ही मिला था, किसी ने कहा है साजिशों का कोई सिला। मलिक कौन? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मलिक, क्या उसको शॉर्ट आउट दे रैप डीमन को। मैं अपने फैंस से मुखातिब होके कहा था कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं, बस करो। I never made मलिक, मुझे ऐसा ही मिला था, किसी
आई नेवर मेड मलिक, मलिक मुझे ऐसा ही मिला था, तो लोग कह रहे होंगे कि तुझे अंजुम ने बनाया है। अच्छा अच्छा, तो वो कह रहा है आई डोंट मेक मलिक, मुझे ऐसा ही मिला, मुझे ही ऐसा ही मलिक मिला। ब्रो 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 भाई, ये रोंगटे खड़ा कर दे रहा है गाना। और मेरे में कोई फर्क नहीं, बस करो। I never made मलिक, मुझे ऐसा ही मिला था। किसी ने कहा है साजिशों का कोई सिलाना। काविशों से इंसान काट लेते हैं, पहाड़ पार करते हैं दरिया जब रास्ते होते दुश्वार। इसी तरह I came from nothing, 2019 Urdu rap scene, I'm the guy you can't fuck with, it's stuck with me. ये रिश्ता कबर से कबर तक, तू दस बरदार गेम से मत दखल अब। Murder on my mind, Johnny call me John Wick, got a dog on my mind. Murder on my mind, Johnny call me John Wick, John Wick by you know John Wick, जिसने देखी उसे पता है John Wick। मत दखल अब, murder on my mind, Johnny call me John Wick, got a doctor on the line, तेरा भाई so sick. बहुत hard, Urdu rap god में, मैंने खुदा bro, I'm just a part of God's plan. मैं और मेरे idols, भाई ये line ने फिर रोंगटे खड़े कर दिए, दिख रहे हैं क्या? खतरनाक ही आज तो भाई, बहुत दिख मेरे को दिख रहे हैं कुछ दिन से भाई। होता उसका मैं और मेरे rivals, bro. But I ain't got no rivals, but I ain't got no rivals. No. Yeah, I got some idols. Yes. Yeah, I got some idols. सच्ची ब्रो, ये बंदा ये बंदा भाई सही में, जैसे मैंने कहा भाई, दुनिया पे बैठ के, अर्थ पे बैठ के नहीं लिखता भाई। अलग लेवल है भाई, बहुत ही अलग लेवल है यार। क्या बोले यार, हम कुछ बोल भी नहीं सकते भाई। 10 साल से लिख रहा हूँ, कैसे टक्कर दे हर तो। पर मेरे को एमिनम का कोई रेफरेंस नहीं दिखा मेरे को, शायद मैं अगर हमने मिस करा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ कौन सी लाइन एमिनम से, क्योंकि टी शर्ट पे एमिनम बने हुए हैं, तो मेरे को नहीं पता चला कौन से बार फेंकी, मतलब रेफरेंस कहाँ था, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ ये सब तो सुन लिया, एमिनम को पता नहीं चला, तो प्लीज उनका बताएं, आपको पता होगी कौन सी लाइन आपने ज्यादा सुन रखा गाना, मैंने तो पहली बार ही सुना। पहले वो बोल आई एम रैप गॉड, फिर मैं खुदा नहीं, मैं खुदा के गॉड्स प्लान का गॉड प्लान हूँ मैं। हाँ, उनका एक पार्ट, दुनिया को अच्छा बनाने या रैप गेम को अच्छा बनाने के लिए जो भी है मींस। हाँ तो मतलब खतरनाक गाना है यार, जो भी मतलब बताया, जो जिन जिन को सुना, पाजी का तो बहुत ही नाम लिया है, अभी भी लेते हैं यार। हाँ। अंजुम तो अभी भी लेता है यार, कोई में पाजी के तो भी रेफरेंस आते हैं तो हिट करते हैं जो वो तगड़े, मजा ही आ जाता है। और लेगेसी क्रिएट करने की जो बात है, तो भाई लेगेसी तो क्रिएट हो चुकी है भाई, टॉप पर हैं, बहुत तगड़ी लेगेसी है, कोई मेरे ख्याल से अभी बीट नहीं कर सकता और टाइम तक नहीं कर पाएगा बीट। हाँ। जैसे बोहेमिया पाजी का भी अभी कोई लेगेसी बीट नहीं कर पाएगा भाई उनकी। हाँ। भी तो वही है अंजुम का भी, अभी जितनी बनी है कोई बीट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बोहेमिया की अलग छाप है, भाई इस बंदे की भी अलग छाप है। हाँ। तो बीट तो कोई किसी को नहीं आएगा। हाँ। एक दूसरा छाप छोड़ने वाला बंदा और टाइम बाद आएगा, ये मतलब याद रखेंगे, लेगेसी क्रिएट हो गई एक तरीके से, अब रहेगी बहुत देर तक, याद रखेंगे, नहीं फिर आर्टिस्ट ढल जाता है ना एक साइड को, दूसरे आ जाते हैं, तो मतलब इसको जैसे बोहेमिया पाजी को अभी भी भाई। हाँ। गाने उतने नहीं निकालते पर लोग अभी भी नाम लेते हैं क्योंकि लेगेसी है। हाँ, तो वही है अंजुम का भी, यही है, गाने बनाए हम ना बनाए, बनाएंगे तो सही, प्लीज बनाना, हम सुनना चाहते हैं। हाँ। पर अगर कभी छोड़ दिया तो लेगेसी वो बहुत आगे तक चलेगी। हाँ। ये सीन है यार, सही में बहुत ही मजा आ गया गाने को सुन में। 2 ट्रैक और बचे हैं अभी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार उनके लिए, आप भी एक्साइटेड हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन टैक करके ऑन करें। अभी तो वो क्या बोलते हैं, बल्ली और मैं की रिक्वेस्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। हां जी, और तो फिर कराची मेरा। हां जी, तो कराची मेरा भी सुनेंगे भाई। हां जी, एक दिन छोड़ के आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको इस गाने में कौन सी आपकी फेवरेट लाइन है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में करें, हम उस पे रिप्लाई करेंगे, अपनी हम फेवरेट लाइन भी वहीं बताएंगे कौन सी हमें अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोशन सर, तब तक के लिए Peace out.